सो हाय, आई एम हिमांक एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने ये वीडियो ओपन किया है तो इसका मतलब यह है कि आप भी हिमाचल घूमना जाना चाहते हैं, आप भी इन गर्मियों में पहाड़ों पर अपनी छुट्टी बिताना चाहते हैं, लेकिन आप अभी भी कन्फ्यूज़ हैं कि क्या आपको हिमाचल में एंट्री मिलेगी, क्या हिमाचल के नए कोविड रूल्स आपको अलाउ करते हैं ट्रैवल करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको हिमाचल के नए ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो ये वीडियो पूरी देख लेना, क्योंकि कुछ लोग पता क्या करते हैं, कुछ लोग ना आधी अधूरी वीडियो देखते हैं या आधा अधूरा आर्टिकल पढ़ते हैं और चले जाते हैं, और फिर उनको प्रॉब्लम होती है और फिर वो कमेंट्स में हमें बताते हैं कि हमने सही जानकारी नहीं दी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरी वीडियो देख के जाना, ताकि आपको ए टू जेड ये पता लग सके कि आपको हिमाचल घूमने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ कहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। तो जैसा कि आपको पता है कि अब नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की तो ज़रूरत है नहीं हिमाचल घूमने के लिए, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और परमिशन है जो आपको हिमाचल लेके जाना पड़ेगा, वरना आपको हिमाचल के बॉर्डर में एंट्री नहीं मिलेगी। और ऐसे ही बहुत कुछ लोगों के साथ हो रहा है, और वीडियो में मैं ये आगे आपसे डिस्कस भी करूँगा कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है लोगों के साथ, कि उनको हिमाचल के बॉर्डर से वापस क्यों भेजा जा रहा है। तो वीडियो पूरी देख लेना, फिर बता रहा हूँ, छोटी सी वीडियो है, और थोड़ा सा ना ये पॉज करके वीडियो को एक बार प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। यार, तो मैं सुबह ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में यही मेंशन था कि अब आपको हिमाचल घूमने के लिए ना आपके कोविड टेस्ट की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये न्यूज़ पढ़ के, या कह लो सिर्फ उस न्यूज़ आर्टिकल की हेडिंग पढ़ के, हज़ारों गाड़ियाँ, हज़ारों लोग हिमाचल के बॉर्डर पे पहुँच गए और वहाँ पर 3 घंटे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ तक कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि हम भी हिमाचल चलते हैं, है ना? रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ, तो देखो, जल्दबाजी मत करो, ये वीडियो पूरी देख के पूरी इन्फॉर्मेशन ले लो। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे 2 से 3 घंटा लंबा ट्रैफिक जाम तो लग गया, क्योंकि वहाँ पे 5,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ आ चुकी थी हिमाचल के बॉर्डर पे, लेकिन सबको हिमाचल के बॉर्डर के अंदर एंट्री मिली नहीं। बहुत सारे लोगों को हिमाचल के ऑफिशियल्स ने बॉर्डर से वापस भेज दिया, वो जिस भी स्टेट से आए थे। तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि शायद टूरिस्ट का नंबर बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हिमाचल ऑफिशियल्स ने उन्हें वापस भेज दिया। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी कोई बात नहीं थी। उन लोगों को वापस भेजने का रीज़न सिर्फ ये था कि उनके पास बाकी जितने भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स थे ना हिमाचल में एंट्री करने के लिए, वो नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आर्टिकल ही नहीं पूरा पढ़ा, इन्फॉर्मेशन ही पूरी नहीं ली, बस ये पढ़ के चले गए कि कोविड में अब आपको नेगेटिव रिपोर्ट नहीं चाहिए, हिमाचल खुल गया है टूरिस्ट के लिए, लोगों की भीड़ चली। तो मैं इस वीडियो में यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, ताकि आपके हिमाचल ट्रैवल में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैं अभी अपने फर्स्ट पॉइंट से शुरू करता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप हिमाचल घूमने जा रहे हो, वो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का ई पास, यानी एक तरह की परमिशन है कि आप हिमाचल में एंट्री ले सकते हो। अब आपको ई पास कहाँ से मिलेगा? वो हिमाचल की एक वेबसाइट है, वहाँ से आपको ई पास मिलेगा, और वेबसाइट का नाम मैं यहीं कहीं लिख दूंगा, ठीक है, और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी वो वेबसाइट का लिंक आपको दे दूंगा। हाँ, अब बहुत सारे लोगों को ये होगा कि यार वेबसाइट कैसे ऑपरेट करनी है, ई पास कैसे भरना है, तो इसके लिए हम चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको वो ई पास भरना है। तो अब आप जैसा देख सकते हो कि मैं हिमाचल प्रदेश की ई पास वाली वेबसाइट पे आ चुका हूँ। तो अब आपको ये एक इंटरफेस दिखेगा, तो आपको किस तरीके से यहाँ पे ई पास भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट टाइप, तो हमारा रिक्वेस्ट टाइप है कमिंग इनटू हिमाचल, कि हम हिमाचल आ रहे हैं, हम किस स्टेट से ट्रैवल कर रहे हैं। सो मान लो हरियाणा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट का मान लो कुरुक्षेत्रा, और फुल एड्रेस, तो मैं यहाँ अपना एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, बट कुछ भी आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे देना। इसके अलावा आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो मानो मुझे ट्रैवल करना है कुल्लू, ठीक है। अब कुल्लू में मुझे कहाँ जाना है, अब वो लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, यहाँ पे कुल्लू ही लिख दो। देन ब्लॉक क्या है, अगेन मैं कुल्लू कर देता हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पंचायत क्या है वहाँ की, जैसे मुझे कसोल जाना है कुल्लू में, तो मैंने पंचायत वार्ड कसोल लिख दिया। अब यहाँ पे फुल एड्रेस, यहाँ पे वो फुल एड्रेस आएगा आप जहाँ पे जा रहे हो, यानी आपकी होटल बुकिंग।
तो प्लीज़ ये भी बात याद रखना कि आप अपनी होटल बुकिंग पहले से करा के रखो ताकि आप इस फॉर्म में मेंशन कर सको। तो होटल एक्स वाई जी मैं लिख देता हूँ कि हम यहाँ जा रहे हैं। देन नाम, अब मेरा नाम हिमांक भारद्वाज, तो यहाँ पे नाम डाल दिया। नाम के बाद अपना मोबाइल नंबर, अगर आप किसी के रिलेशन में हो या किसी भी अपने रिलेटिव का नाम इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे गवर्नमेंट आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ, मानो मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। फिर वहाँ पे उसका नंबर लिख देना गवर्नमेंट आईडी का। देन उसके बाद आपको कैटेगरी, पर्पज ऑफ विजिट, तो मोस्टली आप लोग टूरिस्ट हैं तो टूरिस्ट के लिए हम टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। ये है डॉक्यूमेंट्री एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ट्रैवलिंग फ्रॉम, तो आपका जो घर है जहाँ पे आप रहते हो इस टाइम पे, आप वहाँ का कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल या आपके आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस होगा वो आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ट्रैवलिंग टू। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप जिस होटल में जा रहे हो वहाँ की बुकिंग का जो भी आपके पास बिल आया है उसका PDF या उसका फोटोग्राफ यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है कि गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, उसको यहाँ पे हम फोटोज़ की अपलोड कर देंगे। देन अगर आपके पास कोई व्हीकल है जिस व्हीकल से आप आ रहे हो या हिमाचल की स्टेट में एंट्री कर रहे हो, तो उसका नंबर, व्हीकल नंबर एंड व्हीकल टाइप क्या है आपके पास, ठीक है, व्हीकल नंबर, कैपेसिटी, कितने लोग आ रहे हैं फैमिली या अदर्स, देन ये सब भरने के बाद यहाँ पे आप कर देना रजिस्टर। इतना सिंपल सा प्रोसेस है और आपको ई पास मिल जाएगा एंट्री। हाँ, सो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि मोस्टली लोग क्या गलती कर रहे थे। मोस्टली लोग यही गलती कर रहे थे कि उनके पास ई पास नहीं था, जिसके कारण उनको हिमाचल में एंट्री नहीं मिल रही थी। अब आपको समझ आ गया कि आपको किस तरीके से ई पास के लिए अप्लाई करना है, तो आप ई पास अप्लाई करिए और इसके बाद आप हिमाचल जा सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी बातें आप जान लो जब आप हिमाचल के लिए जा रहे हो। एक तो आपके जो होटल्स हैं ना वो प्री बुक होने चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको अपने ई पास भरते हुए भी अपने होटल का एड्रेस देना होगा कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे रुक रहे हो। अगर हिमाचल बॉर्डर पे या फिर हिमाचल के अंदर कोई भी ऑफिशियल आपसे पूछ सकता है कि आप किस होटल में रुके हो, किस पर्पज से हो, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, तो इसलिए आपके पास होटल की बुकिंग भी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि हिमाचल प्रदेश में अभी भी नाइट कर्फ्यू है, मतलब सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ही सारी शॉप्स खुली हुई हैं। तो अगर आप अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं ना हिमाचल में, तो अकॉर्डिंगली करना, क्योंकि शाम को 5-5:30 बजे तक वहाँ की सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, सिर्फ जो भी एसेंशियल सर्विसेज की शॉप हैं वही खुली होगी। तो ये बात ध्यान में रखना हिमाचल जाने से पहले। तो अब आप बिल्कुल रेडी हो अपने हिमाचल ट्रिप के लिए, तो आप एक काम करोगे मेरा छोटा सा, कि अगर आप हिमाचल घूमने जाते हो और आपने मेरी वीडियो से गाइडलाइन के बारे में जाना है और उसके बाद आपका ट्रिप प्लान किया है हिमाचल, तो जब आप हिमाचल जाओगे ना, तो वहाँ के आप जो भी फोटोज होगे ना उसमें मुझे टैग करना है इंस्टाग्राम पे। अब मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे कहीं मेंशन कर रहा हूँ, प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ जाएगा। तो जितने भी लोग हिमाचल ट्रैवल कर रहे हैं ना मेरी वीडियो देख के, ताकि मुझे पता लगे, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर देना। फॉलो करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट टैग करना ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, या फिर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, या आपने कोई और वीडियोस देखी हो जहाँ मैंने हिमाचल ट्रैवल किया है, ठीक है, बीचेस पे गया हूँ, या जितने भी मेरे ट्रैवल वीडियोस हैं, अगर आपको कोई भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, लाइक और कमेंट तो मैं बोलता हूँ अगर आपको पसंद आए तो ही करना। बाकी इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लेके आता रहूँगा ताकि आप लोगों की ट्रैवलिंग आसान हो सके। बस आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे प्यार देते रहिए। थैंक यू।